हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू यानी दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो हमने पार्ट वन कवर कर लिया था, और जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं और पूरी वीडियो को सही तरह समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे दो ध्रुवीयता के बारे में। दो ध्रुवीयता क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या रहे, इसके परिणाम क्या रहे, इस पर हमने चर्चा कर ली है। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की कमियों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में सोवियत संघ की प्रणाली क्या है, राजनीतिक प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। तो आज कमियां के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली कमी क्या थी कि नौकरशाही का प्रभाव समाप्त, यानी क्या हो गया दोस्तों, नौकरशाही का प्रभाव स्थापित हो गया। सोवियत संघ आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और इस कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में नौकरशाही का दबदबा बहुत ज़्यादा था, और ये नौकरशाही का दबदबा इतना ज़्यादा था कि वो राजनीतिक रूप से मजबूत थी, साथ में प्रशासनिक रूप से भी वो मजबूत हो गए, और यानी जनता के कार्यों में, शासन के कार्यों में ज़्यादा दखलअंदाजी ये करने लगे। ये इसकी सबसे बड़ी एक कमी थी। दूसरी कमी की बात करें दोस्तों, तो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सोवियत शासन प्रणाली में जनता को वो सारे अधिकार नहीं दिए गए थे जिन्हें हम लोकतंत्र के रूप में जानते हैं, यानी जनता को अपनी सरकार के बारे में बहुत कम जानकारी होती थी, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के बिल्कुल भी जानकारी जनता तक नहीं पहुँच होती, और ना ही जनता को इतने ज़्यादा अधिकार दिए गए ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके उन जानकारियों को प्राप्त कर सके। यानी आप कह सकते ना, कहीं कहीं जनता को गुमराह रखा जाता था, सरकार जो भी कार्य करती थी जनता छुप कर करती थी, और जनता को अपने देश के बारे में नहीं पता था। और जब जनता को अपने देश के बारे में नहीं पता तो वो धीरे धीरे भावना कुंठित हो रही थी, उनके मन में भावना फैल रही थी, और यही बाद में विघटन का कारण भी होता है, राइट। तीसरे कारण देख सकते दोस्तों क्या था कि नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारियों से दूर रखा गया। अब नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारियों से दूर रखने का अभिप्राय यह है कि अब सोवियत संघ और कोई भी, अगर हम लोकतांत्रिक देश की बात करें तो कोई भी सरकार, अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश हो तो अपने नागरिकों से बताकर सारे कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश का फायदा क्या है कि सरकार जो भी कार्य करती है दोस्तों उससे जनता को पता होता है सरकार के नियमों के बारे में, उसके परिस्थितियों के बारे में, सरकार जो निर्णय लेने वाली है उसके बारे में जनता को पता होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सोवियत प्रणाली या कहें साम्यवादी शासन व्यवस्था में बिल्कुल भी जानकारी उसके नागरिकों को नहीं थी, और यही बाद में उनके मन में घर कर जाती है और वो इस प्रणाली से नाखुश होते चले जाते हैं। चलिए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, ये कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। क्योंकि महंगाई बढ़ क्यों रही थी, क्योंकि सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी और जो राजनीतिक सोच थी उसमें जन कल्याण कार्यों को ना अब खत्म कर दिया गया। जन कल्याण कार्य खत्म कैसे कर दिया गया वो हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा चल रही थी, है ना, हथियारों की होड़ की, है ना, विकास की नहीं हथियारों की होड़ की, है ना, आगे निकलने की, तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपने सभी संसाधनों को हथियारों में लगा दिया, जनता के लिए अब कुछ नहीं बचा। और धीरे धीरे क्या हो दोस्तों, महंगाई बढ़ गई, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो यहाँ तक कि जनता को डबल रोटी, जिसे हम रोटी के नाम से जानते हैं, उसके खरीदने तक के पैसे नहीं थे सोवियत संघ में। तो पूरी तरीके से सोवियत संघ अपने ही विचारधारा में फंसता चला जा रहा था। तो ये इसकी राजनीतिक प्रणाली की कुछ कमियां थी, राइट, कमियां स्पष्ट हो गया। चलिए अब दोस्तों सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या है और किस पर आधारित थी, तो दोस्तों सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवाद एवं समतामूलक अर्थव्यवस्था थी। समाजवाद का मतलब होता है कि संसाधनों पर जो दोस्तों सभी का समान रूप से बंटवारा होना, और सरकार जो है ज़्यादा ज़्यादा हस्तक्षेप किसमें करती थी, संसाधनों पर। ये समाजवाद किसकी बात करें, साम्यवादी प्रणाली की बात कर रहे थे। और सोवियत संघ में क्या था कि सरकार ही नागरिकों में उन संसाधनों का बंटवारा कर रही थी, राइट। तो अर्थव्यवस्था सही थी, समतामूलक समाज था, राइट, ठीक है। तो मूल यानी समतामूलक अर्थव्यवस्था की बात कर रही थी, यानी सभी को समान लेकर चलना, ये थी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। और इसी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी दोस्तों, किसकी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी, इसकी सबसे पहली विशेषता दोस्तों यह थी, सोवियत संघ भी क्या था दोस्तों, अमेरिका की ही भांति उन्नत, यानी सोवियत संघ अमेरिका की भांति एक उन्नत अर्थव्यवस्था थी। उस समय की बात करें
यानी कोल्ड वार के समय की बात करें या 1940 से लेकर 1990 के दशक की बात करें तो दुनिया में दो ही अर्थव्यवस्था काफी उन्नत थी, एक अमेरिका की एक सोवियत संघ की। यानी दोनों रूप से देखे ना तो दोनों बराबर बराबर टक्कर दे रही थी एक दूसरे की अर्थव्यवस्था की, और यही दोनों टक्कर बाद में शीत युद्ध की वजह भी थी, हमने पहले बताया भी है कि मजबूती ही थी अर्थव्यवस्था के रूप से में, सैनिक रूप से में। दूसरी विशेषता क्या थी दोस्तों इस अर्थव्यवस्था की, संचार प्रणाली काफी विकसित, सोवियत संघ की ना दोस्तों संचार प्रणाली भी काफी विकसित थी। सोवियत संघ द्वारा लगातार मात्रा में अपने अंतरिक्ष यानों को भेजा गया है ना, सैटेलाइट मिशन छोड़े गए, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें सब कुछ था, जनता के विकास के बारे में था, जनता के उत्पादन के साधन उपलब्ध थे है ना, जनता के विकास के साधन उपलब्ध थे, परंतु ऐसे क्या कारण रहे कि जो इतने सब कुछ होते हुए भी सोवियत संघ विघटन होना हो गया और बाद में अंततः सोवियत संघ बिल्कुल समाप्ति हो गया, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था, इतनी अच्छी उन्नतशील अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी वो क्या हो जाता है 1991 में समाप्त हो जाता है, कौन, सोवियत संघ। ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार, सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। आपको पता है रूस के सार क्षेत्र जो कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र था, हालांकि रूस तो अभी अलग राज्य है अलग देश है, लेकिन उस समय सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था, तो दुनिया का आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्रों में से एक था, यानी संसाधन भरपूर मात्रा में उसके पास थे, और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके वो क्या कर रहा था दोस्तों, विकास की भागदौड़ में आगे आ रहा था। तो यानी मजबूत थी संचार रूप से भी, अर्थव्यवस्था भी। चौथी क्या थी दोस्तों, विषय है कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, सोवियत संघ में ना उसके सभी नागरिकों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो किसी भी नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक होती है। फॉर एग्जांपल बुनियादी का मतलब क्या होता है, बुनियाद का मतलब हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमारा अच्छा स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटैलिटी अच्छी हो, हमारा जो है खान पान के लेवल अच्छा हो, यानी हमें वो सुविधाएं मिले जिनके लेकर हम विकास कर सकें, यानी हम कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताएं, और मूलभूत आवश्यकताओं का आपको क्या कह सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यानी ये जरूरतें वहां के नागरिकों को ना भरपूर मिली हुई थी, यानी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। तो ये थी सोवियत संघ की विशेषताएं, किसकी, उसकी अर्थव्यवस्था की। अब सोवियत संघ के विघटन, यानी इस विघटन के कारण क्या रहे, जो अर्थव्यवस्था थी इतनी मजबूत थी, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि सोवियत संघ समाप्त हो जाता है। तो पहले कारण मेरा दोस्तों कि सोवियत संघ का आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर होना, लगातार मात्रा में क्या होता चला गया दोस्तों, सोवियत संघ लगातार मात्रा में अपने संसाधनों का दुरुपयोग करने लगा। संसाधनों का दुरुपयोग करने का मेरा मतलब यह है कि वो सिर्फ आगे निकलने की होड़ में ही लगा रहा, उसने उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसकी अर्थव्यवस्था पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1979 में अफगान युद्ध होता है, और अफगान युद्ध में ना चाहते हुए भी, यानी आप कह सकते ना कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, और उसने अपने सभी संसाधनों को यूज में कर देता है, और अंततः वो क्या हो जाता है आपको पता ही है कि बाद में उसका विघटन हो जाता है, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था विघटन का, यानी उसने अपनी मूल संपत्ति को सभी को समाप्त कर देता है। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, उपभोक्ता वस्तु कमी का मतलब क्या दोस्तों, अब मान लीजिए जब संसाधन आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन धीरे धीरे संसाधनों के समाप्त होना लग जाते हैं, अब जब संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो जनता की जो उपभोक्ता की वस्तु होती है उसको उत्पादन करना समाप्त हो जाता है, उत्पादन होना बंद हो जाता है, यानी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, या तो उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया जाता है, या यानी आपको समझ है ना कि सोचिए रूस जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक निर्माण कर रहा था, वो रूस इन परिस्थितियों में आ गया कि उसके पास अब क्या है, उपभोक्ता की वस्तुओं की कमी होने लगी, यानी उसे मानव यानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा। यानी अब सोच सकते हैं क्या स्थिति रहेगी, कहते हैं ना कि अगर आपके पास संसाधन है तो उसको उतना उपयोग कीजिए जितना आपके लिए आवश्यक हो, अगर बर्बाद करोगे तो सोवियत संघ की तरह हाल होना निश्चित होता है। चलिए इसके बाद कारण क्या तीसरा दोस्तों, मिखाइल गोरबाचोव की सुधारों की धीमी गति से लोग असंतुष्ट थे। हालांकि राजनीतिक विचारक और एनालिसिस बताते हैं कि मिखाइल गोरबाचोव ने जो दो सुधार की नीतियां लागू करी जिन्हें हम पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के नाम से जानते हैं, उद्देश्य क्या था उसका दोस्तों कि वो सोवियत संघ को दोबारा से पटरी पर लाना चाहते थे। कौन, मिखाइल गोरबाचोव, वो चाहते थे कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई है उसे दोबारा से वो उन देशों में शामिल कर सके जो पहले था। लेकिन कहते ना कि कभी कभी आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य आपके लिए हानि होता हानिकारक हो जाता है,
तो ठीक उसी प्रकार से किसके साथ हुआ, मिखाइल गोरबाचोव के कारण। यानी काम तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके दोस्तों इंप्लीमेंट सही नहीं कर पाइए। योजना बहुत अच्छी थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्या होगा दोस्तों, जल्दबाजी में और गलत तरीके से। और इंप्लीमेंटेशन गलत हुआ भी कैसे हुआ, क्योंकि जो सोवियत संघ संगठित देश थे, चाहे आप बेलारूस कह लीजिए चाहे आप रूस कह लीजिए, वो इसकी विकास की गति को ना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि विकास बहुत जल्दी करना चाहिए। तो जब आपके साथ में रहने वाले लोग आपके विकास में साथ नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यही वजह थी कि इनके द्वारा विकास के लिए किया गया कार्य क्या हो गया, विनाश का कारण बन गया। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए, कम्युनिस्ट पार्टी का उत्तरदायी ना होना। दोस्तों हम सोवियत संघ की बात करते हैं तो सोवियत समय किसकी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा सोवियत समय कोई दूसरी पार्टी मौजूद नहीं थी। अब जब कभी कभी दोस्तों ना एकल पार्टी होती है, और एकल पार्टी सिस्टम में सबसे बड़ी जो खामियां होती क्या होती है कि पार्टी निरंकुश हो जाती है। शासन में कोई दूसरा विकल्प ना होना, अकेले सत्ता का उपयोग करना, और अकेले सत्ता का उपयोग करने में उनके अंदर क्या हो जाता, अहम की भावना आ जाती है। और उसी अहम की भावना ने क्या किया दोस्तों, सोवियत संघ को ले डूबी, यानी वो जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं रहेगी, क्योंकि जनता के पास विकल्प भी नहीं था और ना ही लोगों के पास विकल्प था कि वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में ला सके, क्योंकि दूसरी पार्टी थी ही नहीं। और जब थी नहीं तो उत्तरदायी तो होगी ही नहीं, बिल्कुल बात है। तो ये उत्तरदायी तो ना होना भी इसके विघटन का कारण रहा। 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप। मैंने आपको पहले बता दिया था भी कि 1979 में अफगान वॉर हो रहा था, यानी खाड़ी वॉर जिसे आप कह सकते हैं। तो उसमें बहुत से राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। तो सोवियत संघ ने अपने को ना अन्य राष्ट्रों से ऊंचा दिखाने के लिए, अमेरिका से आगे निकलने के लिए, इसने क्या किया, अपने सभी संसाधनों को यानी संपत्ति के रूप में, सैनिक रूप में, सभी इसने क्या कर दिया, अफगान युद्ध में शामिल हो गया। और इस अफगान युद्ध में इसे इतनी ज्यादा हानि हुई, सैनिक रूप से नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से इतनी ज्यादा इसे चोट पहुंची कि इसे दोबारा उभर नहीं पाया ये। यानी अंततः सोवियत संघ क्या हो गया दोस्तों, विघटन हो गया। तो दोस्तों सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की कमियां क्या रही है ना, इसकी अर्थव्यवस्था है, इसकी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या रही और इसके विघटन के कारण क्या रहे, और लास्ट में इसके बारे में देखेंगे इसका दोस्तों क्या है कि विघटन का परिणाम क्या हुआ। दोस्तों जैसे ही सोवियत संघ 1991 में यानी 1991 में एक विघटन हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों परिणाम, आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। विघटन क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए क्या देखिए कि दो खेमों के बीच युद्ध चल रहा था, दो खेमे थे यानी एक खेमा अमेरिका एक सोवियत संघ। अब मान लीजिए जब सोवियत संघ समाप्त हो जाता है तो अब बचा कौन, अमेरिका। यानी अब दुनिया में दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति हो गई, अब इकलौता शक्तिशाली देश कौन बचा दोस्तों, अमेरिका। यानी शीत युद्ध समाप्त हो गया। पहला कारण क्या था इसका, यानी पहला परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा परिणाम क्या रहा दोस्तों, दूसरा परिणाम यह रहा कि अब पूरे विश्व में एक क्षत्र राज या संपूर्ण राज किसका हो गया, अमेरिका का हो गया। यह दूसरा परिणाम रहा किसका, सोवियत संघ के विघटन का। क्योंकि जब सोवियत संघ समाप्त हो गया अब पूरे विश्व में राज किसका हो गया, अमेरिका का, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके तीसरे परिणाम की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसने शॉक थेरेपी को जन्म दिया, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। चौथा परिणाम रहा ये दोस्तों कि इसने विश्व में हथियारों की होड़ को समाप्त कर दिया, लगाम लगा दी। यानी ये चार महत्वपूर्ण परिणाम थे किसके, सोवियत संघ के विघटन के। चलिए अब हम बात करते हैं बर्लिन की दीवार, जिसकी चर्चा हमने कब किया था, शीत युद्ध वाले चैप्टर में। मैंने बताया था ना कि बर्लिन जर्मनी, दोस्तों थी क्या बर्लिन की दीवार, ऐसा क्या है इस दीवार में जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों ये दीवार जर्मनी में सन 1961 में खड़ी की गई। किस लिए खड़ी की गई, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के विचारों को बांटने के लिए। जर्मनी एक था लेकिन विचारधाराएं अलग अलग हो गई थी, इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में करी है। तो यानी जर्मनी को दो विचारों में बांटने के लिए 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी गई। और जब 9 नवंबर 1979 को इस दीवार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी दीवार खड़ी कर गई 1961 में और दीवार को तोड़ दिया गया 1989 में। यानी जर्मनी का एकीकरण कब होता है, 1989, और जर्मनी के विघटन कब होता है, 1961। तो विघटन 1961 और जर्मनी का पुनः एकीकरण कब होता है दोस्तों,
9 नवंबर 1979 को ये क्वेश्चन आता है एक नंबर में, विघटन कब हुआ और इसका एकीकरण कब हुआ। पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले वीडियो में बता रखी है बहुत अच्छे तरीके से कि पूर्वी जर्मनी किसके में था, पश्चिमी जर्मनी किसके में था। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो ना कि पूर्वी पश्चिमी, तो आप हमेशा पश्चिम दुनिया के कोई भी देश हो तो पश्चिम हमेशा साथ किसके पास होता है, पूंजीवादी देशों का, और पूरा हमेशा किसके पास होता है, सोवियत संघ। तो पश्चिमी जर्मनी किसके पास था, अमेरिका, एंड पूर्वी जर्मनी किसका पार्ट था, सोवियत संघ का पार्ट था। दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोव नीति दो थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि मिखाइल गोर्बाचोव के दो नीतियों का नाम बताइए, और प्रश्न यहां से बनता है ना कि मिखाइल गोर्बाचोव नीतियों ने किस प्रकार से सोवियत संघ विघटन के कारणों में से एक रहा। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को पुनः सुधार के लिए दो नीतियां बनाई थी, जिसको हम क्या नाम जानते हैं, पेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना, ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन। तो ये ओपन पॉलिसी थी, यानी अपने अर्थव्यवस्था को उन्होंने क्या किया, खोल दिया कि अब ना धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सोवियत संघ को दोबारा से पटरी पर लाएंगे। लेकिन होता क्या दोस्तों, सोवियत संघ के जो प्रमुख सदस्य देश होते हैं, रूस है ना, बेलारूस, यूक्रेन, इन्होंने क्या कर दिया, इस नीति को अपनाने से इनकार कर दिया, और ये नीति वहीं पर समाप्त हो जाती है। और नीति जैसे ही समाप्त हो जाती है दोस्तों, और इसी नीति की वजह से 1991 में रूस और बेलारूस जैसे, यूक्रेन जैसे देशों ने सोवियत संघ से अपना नाता तोड़ लिया, और उसी दौरान सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। यानी 1991 में शॉक थेरेपी क्या होती है दोस्तों, शॉक थेरेपी का मतलब होता है पहले शॉक देना फिर इलाज करना, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब ये है क्या दोस्तों, आपको लग रहा होगा इस आघात पहुंचाकर उपचार करना क्या है, हुआ क्या दोस्तों, सोवियत संघ का जैसे विघटन हो जाता है, अमेरिका इकलौता राष्ट्र बचता है विश्व में कब्जा करने वाला, यानी अब उसी की तूती बोल रही है, उसी का राज चल रहा है। तो अमेरिका अमेरिका ने क्या किया कि जो रूस और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के जो राष्ट्र थे है ना, उनको धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर करने की कोशिश करा, पूंजीवाद के रूप में ढालने के, यानी ये विचार किसके थे, साम्यवादी विचारधारा वाले देश थे। लेकिन विघटन समाप्त हो, जब विघटन हो गया तो अब पूंजीवादी विचारधारा सबसे आगे निकली। तो अमेरिका ने क्या किया कि रूस और पूर्वी यूरोपीय और मध्य एशियाई देशों को उन्होंने क्या किया, अपनी विचारधारा में कन्वर्ट करने के लिए अनेक प्रकार से उसमें योगदान देना शुरू कर दिया, है ना, आप कह सकते हैं कि मदद करना शुरू कर दिया। पहले तो खुद ही उनको तोड़ा मरोड़ा और फेंका, बाद में महरम पट्टी करने के बाद भी किसने कर दी, अमेरिका ने। यानी साम्यवादी विचारधारा को समाप्त करके पूंजीवादी विचारधारा को अग्रसर करना ही क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी कहलाता है। अब इसमें कह सकते हो अब शॉक थेरेपी किसके माध्यम से की गई, तो दोस्तों शॉक थेरेपी माध्यम था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने इन देशों को, यानी वर्ल्ड बैंक पर अधिकार किसका था, अमेरिका का अधिकार, कहने मतलब है कि सबसे ज्यादा योगदान वर्ल्ड बैंक में किसका होता था, अमेरिका का। तो अमेरिका कहने पर वर्ल्ड बैंक ने इन देशों को कर्ज देना शुरू कर दिया। अब जब ये देश कर्ज लेने लगे तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी इन देशों पर लागू कर दी, और यही बाद में इनके लिए आघात का कारण भी रहा। हालांकि शॉक थेरेपी उपचार के तौर पर अपनाया गया था, लेकिन उपचार नहीं था ये, उपचार पर दिखावे के लिए था। उद्देश्य क्या था कि इन सारी अर्थव्यवस्था को अपने अंडर में लेना, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना, और वही हुआ। आज देख लीजिए रूस नाटो का सदस्य है कि नहीं है, राइट। चलिए परिणाम क्या रहे हैं सोवियत यानी शॉक थेरेपी के, शॉक थेरेपी का पहला परिणाम रहा दोस्तों कि आजीविका कमाना कठिन हो गया, उद्योग समाप्त हो गए, उद्योगों को औने पौने में दामों में बेचा गया, जो बड़े बड़े उद्योग थे, और इसी औने पौने दामों में बेचने की प्रथा को हम क्या कहते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा आगे वाले पार्ट में हम करेंगे। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई, वो रूसी मुद्रा जो कभी अमेरिका के डॉलर को कड़ी टक्कर देती थी, कड़ी टक्कर के उससे आगे भी थी, लेकिन क्या हो गया धीरे धीरे उस रूबल मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, घटने लगा। अब जब रूबल मुद्रा का मूल्य घटने लगा तो मुद्रा स्फीति हो गई। अब मुद्रा स्फीति हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पैसे का दाम कम रहेगा तो वस्तु अपने आप क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। मुद्रा कम, वस्तु की महंगाई बढ़ गई, और इससे क्या हो दोस्तों, जनता में असंतोष का भाव पैदा हो जाता है।
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपको इस सोवियत विघटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और विश्व की गैराज सेल क्या है, उस पर हम अच्छी तरह चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।